मिलाकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसानों ने अधिकारियों के सामने खाद की बोरी में रेत होना पाया गया, जिसके बाद कार्यवाही की गई और दो दुकानदारों पर FIR भी दर्ज हुई है। पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुरहानपुर संवाददाता गोपाल देवकर व अधिकारी उप संचालक कृषि MS देवके जी। सबसे पहले बात करेंगे हमारे संवाददाता गोपाल देवकर जी से। क्या गोपाल जी, खाद बोरी में रेत मिलने का क्या कुछ है पूरा मामला अपडेट? ये आयुषी बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर के धुलकोट में ये मामला प्रकाश में आया है, जहां खाद के अंदर जो है रेत मिलने की बात सामने आई है। यदि हम बात करें तो धुलकोट के अंदर जिस तरह से लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी कि खाद के अंदर जो है रेत या अन्य सामग्री मिलाकर जो है बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के तहसीलदार उदय मंडलोई को भी जो यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया था और इस प्रकार की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बुरहानपुर से वरिष्ठ अधिकारी श्रीराम, यदि हम बात करें वरिष्ठ अधिकारी श्रीराम पाटिल जो कि कृषि अधिकारी है, वो भी साथ पहुंचे थे और तहसीलदार उदय मंडलोई भी जो वहां पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें खाद में जो है शेफाली एग्रो के खाद गोदाम की दुकान में जो है छापामार कार्रवाई के दौरान यहाँ डीएपी और विनायक फर्टिलाइजर की पोटाश की बोरियों में भी, यदि हम बात करें साथ ही साथ आइडियल क्रॉप कंपनी के जिंक पाउडर में इनके सैंपल तो लिए ही गए, लेकिन यहाँ पर जो है खाद के अंदर मिलावट सामने आई, जिसके बाद जो है तहसीलदार द्वारा शेफाली एग्रो के गोडाउन को भी सील कर दिया गया। और जिस तरह से उप संचालक कृषि द्वारा जो बताया गया कि यहाँ पर जो है अब दो लोगों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई है। जी आयुषी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गोपाल जी। इसी मामले में उप संचालक कृषि MS देवके जी से जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर स्वागत है आपका लोकतंत्र न्यूज में। सर, खाद में जो रेत का काला खेल चल रहा है, इसकी जानकारी सूचना विभाग को नहीं थी क्या? इसमें जो हमारा सतत अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग समय समय पर सभी दुकानों और इनका निरीक्षण करते हैं, कल ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें कि किसानों ने भी शिकायत करी थी कि फर्टिलाइजर DAP जो है वो उसमें कुछ रेत मिले की संभावना है करके। हालांकि उसको सैंपल लेकर भेजा गया, हम लोगों ने सैंपल भी तत्काल लिया उसका हमारा दल पहुंचकर, और साथ ही उसका FIR दर्ज कराई है इस मैटर में, उनके पास जो बिना डॉक्यूमेंट के फर्टिलाइजर पाया गया था। जी, आपने कितनी बार कृषि केंद्रों या खाद दुकानों का निरीक्षण किया? यहाँ हमारे हम लोग राजस्व और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया था, जिसमें हमारे राजस्व और कृषि विभाग के पूर्वक के सभी प्रतिष्ठानों का एक बार निरीक्षण हो चुका है। ये लगभग 10-15 दिन कंटिन्यू अभियान चला गया अभी इसी माह। जब निरीक्षण करते हैं तो इस तरह की मिलावट या कालाबाजारी आपके सामने नहीं आई क्या? सैंपल भी लिए जाते हैं और सैंपल भी लिए जाकर भेजे गए हैं इसमें। अब क्या कोई कठोर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है? और भी अभी आगे जांच जारी है उसी क्षेत्र में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।